हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक है 2024 की, देख लीजिए। यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैं आपके सामने बुक बता देती हूँ। इस बुक के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस बुक के हम सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यू एडिशन की बुक है। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर दिया हुआ है। इसके पहले के भी जो चैप्टर्स हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल, इंट्रोडक्शन, सभी के वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में चले जाना है और सभी वीडियोस को देख लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ 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 बार बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही मेहनत, बहुत ही हार्डवर्क से ये वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, यदि बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखे हैं, उसको देखकर सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हैं और सेक्रीफाइजिंग रेशो के हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में निकाला था। सेक्रीफाइजिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हमने इनका कैलकुलेशन किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन यहाँ पर हम इनका कैलकुलेशन किन बेसिस पे करेंगे, यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे हम नए पार्टनर के एडमिशन का। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3:2, ठीक है। ये तीन पार्टनर्स थे, इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 था। अब इन्होंने एडमिट किया किसको, सुरेश को किया। सुरेश कौन है, नया पार्टनर है, उसको इन्होंने सोचा कि ये तीनों मिलकर उसको 1/5 शेयर देंगे, ठीक है ना। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बच्चों, ये लास्ट की जो लाइन है ना, इसको ध्यान से पढ़ना कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, किसका, गिरिजा, यतिन, जुबिन और सुरेश, क्योंकि अब ये क्या हो गए, चार पार्टनर हो गए, तो इन चारों का मुझे क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या है, मुझे ये पता है कि गिरिजा, यतिन, जुबिन, इनको इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है। तो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2 है इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब इन्होंने सुरेश को एडमिट किया तो उसे इन तीनों ने मिलकर 1/5 शेयर दिया, ठीक है ना, इन तीनों ने मिलकर 1/5 शेयर दिया। अब हमें ये नहीं पता है कि इन तीनों का मिलके कम्बाइंड शेयर कितना है, ठीक है ना। हमें तीनों के अलग अलग शेयर पता है, पर तीनों का कम्बाइंड शेयर कितना है ये हमें नहीं पता है। तो बच्चों, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी पढ़ा था कि जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती है तो हम उसे अज्यूम कर लेते हैं 1 के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा है, ये लिखा है कि 1/5 शेयर से किसको एडमिट किया, सुरेश को एडमिट किया। अब हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है कि सुरेश के एडमिशन तक इनका कितना शेयर था, 1, ठीक है ना। मतलब इन तीनों का मिला के हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन तीनों का शेयर है 1। अब मैं क्या करूँगी, इसका शेयर है 1, अब इस 1 में से जो इन्होंने 1/5 शेयर किसको दे दिया, सुरेश को दे दिया, उसे माइनस कर दूंगी। तो देखो यही लिखा हुआ है यहां पर, ये 1/5 जब ऐसा लिखा रहता है ना यहां, तो आप समझ जाया कीजिए कि 1/5 है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं ना तो इस तरीके का डैश नहीं बन पाता है, इसलिए 1/5 करके लिख देते हैं। तो इसको मैं यहां पर एक बार लिख के समझा देती हूं। 1 किसका शेयर था, तीनों का कंबाइंड शेयर था, इसमें से 1/5 किसको दे दिया, 1/5 दे दिया सुरेश को। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगी तो नीचे 5 आएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे 1 आ जाएगा, और 5-1 करूंगी तो 4/5 क्या हुआ, इनका बचा हुआ शेयर हुआ तीनों का, ठीक है ना। 4/5 क्या हुआ, इनका बचा हुआ शेयर हुआ। तो अब क्या करेंगे, जो इनका पुराना शेयर था 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है ना। आप 4/5 जो इनका बचा हुआ शेयर है उसको इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5/10 का जब मैंने 4/5 में इंटू करा, 5/10 का, ध्यान से समझना हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये 5/10 का
जब मैंने 4/5 में इंटू किया तो यहाँ पर गिरजा का शेयर आ गया 20/50। उसके बाद इसी तरह यतीन का पुराना शेयर था 3/10 का, फिर से मैंने जो बचा हुआ शेयर है 4/5 में इंटू किया तो यहाँ पर आ गया 12/50। और इसी तरह तीसरा कौन पार्टनर है, जुबिन, जुबिन का है 2/10, उसका फिर से मैंने 4/5 में इंटू करा तो मेरे पास आ गया 8/50। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बस यहाँ तक जब आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इनका शेयर कितना हो गया, गिरजा का कितना है 20/50, इसका है 12/50, इसका है 8/50 और उसको कितना दिया 1/5। ठीक है, तो अब ये सब 50-50 हैं और ये 5 है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे 10 और 10 का इंटू कर दूंगी तो 10/50 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों रेशो कितना आया, 20, 12, 8 और 10। अब मैं इसको क्या करूँगी, और छोटा कर दूंगी तो 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 10, ये 6, ये 4 एंड ये 5। तो देखो ये मेरा आंसर दिया है, ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर? इस तरीके से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल गया, जो कितने कौन से पार्टनर्स हैं पुराने और जो नया पार्टनर आया है उसके बाद जो चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो निकल गया। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रिपोर्शन ऑफ 7:5। ठीक है, दे एग्रीड टू एडमिट सी, ए और बी हैं जो पुराने पार्टनर हैं, उन्होंने किसको एडमिट करने की बात कही, उन्होंने बोला कि सी को एडमिट करेंगे। ठीक है ना, आप उन्हें पार्टनरशिप में जब एडमिट करेंगे तो उसे 1/6 शेयर देंगे और उसे जो ए है वो कितना देगा, 1/4 देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में बताया नहीं था कि कितना दिया है, ठीक है, तो हमें एज्यूम करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर तो दिया हुआ है कि जो ए है वो कितना देगा 1/24 और जो बी है वो कितना देगा 1/8। ठीक है ना, तो ये दोनों इतना इतना सैक्रिफाइस करेंगे तब सी को 1/6 शेयर मिलेगा। तो ये शेयर कौन सा है बच्चों, सैक्रिफाइजिंग शेयर है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, अब यहाँ पर ओल्ड शेयर दिया है 7:5, मतलब क्या हुआ 7/12:5/12। ठीक है, अब सी को एडमिट किया 1/6 से, यहाँ पर सिंपल लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो ए सेक्रीफाइज हिज शेयर ऑन द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, या ए सेक्रीफाइजिंग शेयर या बी सेक्रीफाइजिंग शेयर भी करके भी लिख सकते हो। दोनों का हमने सेक्रीफाइजिंग शेयर लिखा और सिंपल सा, हमें जब सेक्रीफाइजिंग शेयर दिया हुआ है और ओल्ड शेयर भी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइजिंग रेशो को फॉर्मूला लगा के माइनस कर देना है। ये तो बहुत ईजी है, तो वही किया हुआ है। ए का शेयर कितना है 7/12 है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है 7/12 और सेक्रीफाइजिंग कितना है 1/25। तो हमने 7/12 में से 1/25 माइनस किया तो आप एलसीएम निकाल के कर लेना 13/24 आया। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया बी के लिए किया, पुराना था 5/12 माइनस किया जो सेक्रीफाइस किया 1/18 तो 7/24 आया। तो अब क्या हुआ बच्चों, अब जो इनका नया शेयर है, ठीक है, ये 13/24 और ये 7/25, 7/24 और यहाँ पर है 1/6। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 4 का इंटू करना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4/24। तो रेशो बन गया 13:7:4 और ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया, ये दिया है आंसर। क्लियर हो गया? इसी तरह से ये क्वेश्चंस हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछ सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग पूछ सकते हैं, ओल्ड पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बस आपको निकालने की सभी मेथड्स को आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2:1। ठीक है ना, इनका नया रेशो कितना, सॉरी पुराना रेशो कितना दिया है ए बी सी का 3:2:1। ठीक है, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने डी को एडमिट किया और उसे दे रहे हैं ये 1/8 शेयर। ठीक है ना, समझ गए ना, 1/8 शेयर दे रहे हैं डी को उसके प्रॉफिट में से। विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी, बी ने दिया है 1/16
एंड सी ने दिया है 1/16, ठीक है। ए मज़े में है, इसने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। जब कौन आया, डी आया, तो बी और सी ने मिलके दिया, ए ने कुछ भी नहीं दिया। अब क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी डी का, ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए बी सी डी का। अब ए बी सी का पुराना शेयर दिया हुआ है 3:2:1, तो मतलब क्या हुआ, 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्होंने जब डी को एडमिट किया तो उसे 1/8 शेयर तो दे ही रहे हैं। अब यहाँ पर बी ने और सी ने ये लिखा है ना, ए बी सी शेयर लिखा है, उसके बाद ये लिखा है कि 1/16 शेयर इन्होंने बी और सी से लिया, तो क्या होगा, ए का शेयर तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 3/6, ए का शेयर वैसा का वैसा रहेगा 3/6, क्योंकि यहाँ पर ए ने कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन जो बी और सी है, बी का शेयर है 2/6 और इसका है 1/6, तो इन दोनों में से मुझे 1/16 एंड 1/16 माइनस कर देना है। प्रॉपर आप एलसीएम निकालना, ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम निकालना 2/6 माइनस 1/16 का, प्रॉपर एलसीएम निकालोगे तब 13/48 आएगा, तो आपको प्रॉपर एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 13/48 इसका आ गया, 5/48, और ए का तो जो है वही है, और डी का हमें पता ही है 1/8, तो मैं यही करूँगी, यहाँ पर ए का 3/6 लिखूँगी, इसका लिखूँगी 13/48, इसका लिखूँगी 5/48, और इसका कितना है 1/8। अब मुझे इनका क्या करना है, इनका नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो बच्चों मैं क्या करूँगी, 16 का इंटू ऊपर करूँगी और 16 का इंटू नीचे करूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 24/48, 13/48 ये वैसा ही रहेगा, 5/48 भी वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर ऊपर मुझे करना पड़ेगा 6 का इंटू, और नीचे भी करना पड़ेगा 6 का इंटू, तो 6/48 आ जाएगा। तो नया रेशो क्या बन जाएगा, 24:13:5:6, ये न्यू रेशो बन जाएगा जो आंसर दिया हुआ है। आई होप पूरे फुल एफर्ट्स के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2, दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना। भारती और आशा कौन है, पार्टनर हैं, उन्होंने दिनकर को एडमिट किया और उसको देंगे वो 1/5 शेयर, ठीक है ना। विच दे गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, भारती और जो आस्था है उन्होंने दोनों ने मिलकर इक्वली शेयर, इक्वली मतलब हाफ हाफ शेयर दे दिया है, तो यहाँ पर दोनों का 1/2 शेयर इनके पास से चला गया है, 3/2 इनका पुराना शेयर है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है भारती आस्था एंड दिनकर का। वैसे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो कराना ही है। तो देखो पुराना शेयर है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। दिनकर का कितना दिया, 1/5, तो मतलब क्या हुआ, 1/5 दिनकर का था, तो भारती और आस्था इनने सेक्रीफाइस कितना किया, हाफ 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 मतलब 1/2 और 1/2। अब भारती और आस्था दोनों ने आधा आधा सेक्रीफाइस किया और 1/5 शेयर किसको दिया, अपना जो नया पार्टनर है दिनकर। तो बच्चों जब ऐसी लाइन दी होती है ना कि दे गॉट इक्वली, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनटू करना पड़ता है, क्योंकि आधा किसने दिया है, आधा दिया है भारती ने और आधा दिया है आस्था ने, तो 1/5 शेयर तो हम पूरा एक पार्ट, पूरा पार्ट दिया हुआ है। अब उसको जब मैं आधा आधा करूंगी तब पता चलेगा ना कि भारती ने कितना दिया और आस्था ने कितना दिया, तो इसको आधा आधा करने के लिए हम ऐसे इनटू करते हैं, तो 1/5 × 1/2, तो मतलब 1/10 पार्ट दिया भारती ने और फिर आस्था ने दिया 1/5 का 1/2 1/10, है ना। डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, कभी भी जब इस तरीके से दिया होता है कि इक्वली दोनों ने दिया तो हमें डायरेक्ट माइनस, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट क्या करेंगे, हाफ माइनस कर देंगे, 3/5 में से 1/2 को माइनस कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले तो भैया ये निकालना पड़ेगा ना कि 1/5 का आधा उसने दिया और आधा इसने दिया, तो कितना इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जो 3/5 है, ये पुराना शेयर, इसमें से मुझे ये 1/10 माइनस करना रहेगा, तो मेरे पास आ जाएगा क्या शेयर, 5/10,
इसी तरह आस्था का दिया है ओल्ड शेयर 2/5, इसमें से मैं 1/10 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3/10। और दिनकर का शेयर दिया ही हुआ है 1/5, तो मुझे नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने वही किया है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ऊपर और नीचे 2/2 का इंटू कर दिया, तो यहाँ पर ये आ गया, तो हमारा नया रेशो आया 5:3:2, यही दिया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मोहन एंड महेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन देयर रेशियो इज 2:1। ध्यान से समझो, यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि मोहन और महेश पार्टनर हैं, उनका जो रेशो है वो 3:2 है। एडमिट किया नुसरत को, नुसरत ने शेयर लिया है मोहन और महेश से 2:1 में। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों से इक्वली लिया है, ठीक है ना, मतलब आधा आधा लिया है। यहाँ पर रेशो में दिया है कि 2:1 लिया है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें निकालना है। तो जब इस तरीके से क्लियरली रेशो में दिया होता है, तो हमें क्या करना होता है ना, नुसरत का जो शेयर है, नुसरत का कितना है, 3/5 है, और इसका 2/5 है, ठीक है, ये ओल्ड शेयर दिया है, ओल्ड शेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेक्रीफाइजिंग शेयर भी पता है, 2:1 मतलब 2/3, सेक्रीफाइजिंग शेयर पता है 2/3 एंड 1/3। अब मुझे क्या करना है, नुसरत को जितना मिला है, मतलब क्या है, उसका 1/4 शेयर है, उसको कितना मिला है, 2/3 किससे मिला है, 2/3 उसको मिला है मोहन से, तो यहाँ पर क्या करूँगी, 2/3 × 1/4 कर दूंगी, तो उसे 2/12 किससे मिला है, 2/12 इक्वल करके लिखो, मोहन से मिला है। अब आप बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों किया इस वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझो, यहाँ पर रेशो लिखा हुआ है 2:1 जो सेक्रीफाइजिंग रेशो है, ठीक है। अब इसको मिला है 1/4, तो मतलब क्या हुआ, मोहन ने 2/3 और 1/3 महेश ने सेक्रीफाइस किया होगा, तब इसको 1/4 मिला होगा, तो हमें इंटू करके देखना पड़ेगा कि नुसरत ने टोटल एक्वायर कितना किया है, तो 1/4 में जब मैं 2/3 का इंटू करूंगी तो उसे पता चला कि उसने 2/12 मोहन से लिया है। उसी तरह नुसरत ने 1/3 का 1/4 से इंटू करूंगी तो 1/12 महेश से लिया है। अब यहाँ पर पता चल गया कि नुसरत ने महेश और मोहन से कितना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए हमें क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइजिंग रेशो, ठीक है, ये गलत फॉर्मूला लिखा है, सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो 3/5 तो ओल्ड रेशो लिखा हुआ है, और यहाँ पर मोहन ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/12, तो यहाँ पर 3/5 में से मैंने 2/12 को माइनस कर दिया और पूरा एलसीएम निकाला, तो यहाँ पर आ गया 26/60। देखिए एलसीएम निकाल के मैं नहीं बताऊँगी, लिखा भी हुआ है, आप खुद भी एलसीएम निकाल के प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ पर जो आया वो 26/60 आया, ठीक है। और इसी तरह महेश का किया, ओल्ड रेशो कितना दिया है, 2/5, और महेश ने यहाँ पर देखो कितना सेक्रीफाइस किया, 1/12, तो यहाँ पर 1/12 माइनस कर देंगे, ये इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 19/60, और उसको मिला कितना है, 1/4 शेयर मिला है। तो अब जब उसे 1/4 शेयर मिला है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कितना कैसे होगा, 15 का इंटू करना, 1/4 को जब डिनोमिनेटर सेम करना है तो 15 ऊपर और 15 नीचे इंटू किया, तो यहाँ 15/60 आया, तो हमारा नया रेशो क्या आ गया, 26, 19 एंड 15। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये देखिए नया रेशो आ गया, ठीक है। देखिए थोड़े से तो कंफ्यूजिंग है शुरुआत में, जब आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है और उसको मिला है 1/14 प्रॉफिट का, तो भैया उसने जो सेक्रीफाइस किया है वो इसको मिला है ना, तो 1/4 का जब हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो देना है, क्योंकि यहाँ ये सेक्रीफाइजिंग रेशो सिंपली इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा है नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश 2:1, मतलब नुसरत ने टेक किया है 2:1 के रेशो में, लेकिन मोहन और महेश ने कितना सेक्रीफाइस किया है इसको निकालने के लिए हमें 2/3 में इंटू 1/4 करना पड़ेगा, तब हमें इन दोनों के सेक्रीफाइजिंग रेशो पता चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
SBJ were partner in a firm. T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profit. Calculate sacrificing ratio of SBJ. देखो यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उस क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रेशो नहीं दिया हुआ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई रेशो नहीं दिया होता है तो हम इक्वली समझते हैं, क्या समझते हैं, इक्वली, ठीक है। अब हमने इक्वली समझा मतलब 1/3 किसका एस, 1/3 जे और 1/3 किसका बी का हुआ। अब टी को एडमिट किया है और टी का शेयर कितना दे रहे हैं उसको, 1/5 शेयर दे रहे हैं, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर 1/5 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि 1/5 शेयर जो उसको दे रहे हैं तो वो किस में से दे रहे हैं, ये तो पता ही है ना कि प्रॉफिट में से ही देंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर हमें एज्यूम करना है कि एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज 1। अब यहाँ पर 1 टोटल प्रॉफिट है तो मुझे क्या ना पड़ेगा, जो प्रॉफिट में से 1/5 शेयर दे रहे हैं उसका जो बचा हुआ शेयर है वो किसका हुआ, वो SBJ का हुआ, तो मुझे क्या करना है, T के एडमिशन के बाद SBJ का प्रॉफिट देखना है, तो मुझे 1 by 5 को माइनस करना होगा। इसका LCM निकालूंगी तो 5 minus 1 मतलब 4/5 आया, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको आता ही है ना निकालना, ये 4/5 आया, तो ये क्या है, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग शेयर है। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको क्या होगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं इन्होंने दिया है ना अपने पास से, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, तो इनका नया शेयर कैसे हो जाएगा, तो ये जो 4/5 है, ठीक है, ये जो निकला है ना, ये जो 4/5 है, ये तीनों में एस, दूसरे कौन थे, बी थे, ये एस बी और ये जे, ठीक है, एस बी जे में इन तीनों में इंटू कर दूंगी तो 4/15 आएगा। अब 1/5 है, ठीक है, अब इसका मुझे डिनोमिनेटर तो सेम करना होगा ना, आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि 3/3 क्यों करा है। जब भी हम सबका रेशो निकालते हैं तो नीचे के जो पोर्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो 4/15 और इसका जब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो हमने 3/3 का ऊपर 3 का नीचे इंटू कर दिया तो 3/4 आ गया। तो यहाँ पर हमें पता चल गए, क्या पता चल गए हमें, यहाँ पर हमें पता चल गए न्यू रेशो, ठीक है ना, ये न्यू रेशो है ना किसके, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके न्यू रेशो हैं। अब मुझे लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशो, समझ में आ रही है, क्वेश्चन में पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो अब आपको बस जो फॉर्मूला है उसको पुट कर देना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो तो दिया है 1/3, तो हमने 1/3 में से ये तीनों जो न्यू रेशो निकले हैं उनको माइनस कर दिया और हमें सिर्फ एस बी जे के सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने हैं। तीनों को जब हमने माइनस किया तो क्या आया, 1/15 मतलब एस बी जे का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:1:1। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो बच्चों, हर चैप्टर में 100 के अराउंड क्वेश्चन हैं, 3 बुक हैं। अब इन सभी को मैं हाथ से यदि कराऊंगी तो मेरा पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा, ना तो मैं आपको रिवीजन करा पाऊंगी, ना ही आपको मैं सैंपल पेपर PYQs करा पाऊंगी। इसीलिए मैं कुछ पोर्शन लिख के रखती हूँ, कुछ पोर्शन एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ पोर्शंस यहाँ पर भी लिखकर बता देती हूँ। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो पूरी PDF है ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी कि यदि आपको वीडियोस नहीं देखना है, डायरेक्ट PDF से पढ़ना है तो आप उस PDF से पढ़ सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन 7, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 5:3, आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही टूक 75% फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। देखो 75%, 1 का यदि मैं 75% निकालूंगी तो मतलब क्या होता है, 3/4, ये तो बेसिक है आपको पता होगा। तो वही ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिया 75% किससे, P
पी से और जो बचा हुआ था वो क्यू से, मतलब 1/4 किससे लिया, क्यू से लिया। तो यहां पर मुझे क्या करना है, पी और क्यू का सिंपल सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालना है। तो ओल्ड रेशो दिया है पी और क्यू का 5:3, तो यहाँ पर 5:3 ले दिया। अब शेयर ऑफ आर, मतलब यहाँ पर आर का शेयर कितना है, जो आर नया पार्टनर है उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। ये वही चीज़ हम दोबारा लिख देते हैं, शेयर ऑफ आर इज 1/4 इन द प्रॉफिट। अब ये आर जो है 75% लेगा किससे, पी से, ठीक है। तो 75% मतलब मैंने बताया ना 3/4, और रिमेनिंग किससे लेगा, क्यू से। ही आप बता सकते हो कि रिमेनिंग 1/4 बचेगा, बट इन्होंने क्या किया है, एलसीएम लेके बताया है, एज्यूम कर लिया है कि 1 क्या है, उसका टोटल शेयर है, फिर उसमें से 3/4 माइनस करा तो 1/4 आया। तो आप इतना दिमाग ना भी लगाओ तो चलेगा, 100% का 75% होता है 3/4 और 25% होता है 1/4, तो बस हो गया 3:1 इसका रेशो आ गया सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 8th क्वेश्चन, फिर 9th क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि 9th क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो ध्यान से समझो इसको। क्या बोल रहा है, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर, ठीक है ना, कबीर एंड फरीद आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 7:3, कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। ध्यान से लाइन समझना, कबीर ने सरेंडर किए 2/10 ऑफ हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। ज्योति मतलब कौन, नई पार्टनर, द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशो, ठीक है, दोनों रेशो पूछ लिए, कुछ भी पूछे उनका मन है, सेक्रीफाइजिंग पूछे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पूछे, ओल्ड पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें निकालनी है। तो अब ये ध्यान रखो, कबीर सेक्रीफाइज हिज शेयर प्रॉफिट ऑफ फेवर कितना, 2/10। तो वही लाइन लिखी है, कबीर सेक्रीफाइज हिज शेयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ ज्योति 2/10। उसी तरह फरीद ने सेक्रीफाइज किए 1/10। अब ज्योति को कितना शेयर मिला है ये नहीं लिखा है, ध्यान से देखा आपने क्वेश्चन में, ज्योति को कितना शेयर मिला है ये नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2/10 और 1/10 को प्लस करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि ज्योति का शेयर है 3/10, ठीक है ना आपको। अब देखो बच्चों, ऐसे ही है क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट कर दो सिंपल सा। तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो तो क्लियरली दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, 2/10 और 1/10 पूछ भी लिया तो अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 2/10 एंड 1/10 मतलब 2:1। अब न्यू रेशो निकालना है तो माइनस कर दो ओल्ड में से जो शेयर सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड रेशो कितना है, यह है ना ओल्ड रेशो 7:3, मतलब क्या है 7, 8, 9, 10, 7/10 3/10, ठीक है। तो 7/10 में से जो ये सेक्रीफाइजिंग रेशो है उसे हमने माइनस किया तो 5/10 आ गया। इसी तरह फरीद का न्यू शेयर हमने निकाला तो इसमें से इसको माइनस किया तो 2/10 आ गया, ठीक है। और इसका रेशो तो हमें पता ही है 3/10, तो ये तीनों के हमारे पास रेशो हो गए 3/10, 5/10 एंड 2/10। तो ये दोनों पहले आएंगे, कबीर और फरीद, और आखिरी में कौन आएगी, ज्योति आएगी। तो आ गया हमारा रेशो 5/10, 2/10 एंड 3/10 मतलब 5:2:3, ठीक है, यही लिखा है। और सेक्रीफाइजिंग रेशो तो लिखा ही है 2/10 एंड 1/10 वही चीज़ है, तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइजिंग रेशो। क्लियर, इस तरह से बच्चों मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, उन तक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे।